चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन दबाइए, जिससे भविष्य में आने वाली डीके वेट केटल डीआरपी कोई भी वीडियो आप मिस ना कर सके। नमस्कार पशुपालक भाइयों, कैसे हो आप लोग? आशा करता हूँ ठीक होंगे। दोस्तों आज मैं बात कर रहा हूँ ऑक्सीटेट्रा साइक्लिन हाइड्रोक्लोराइड इंजेक्शन एंटीबायोटिक इंजेक्शन की बात कर रहा हूँ। दोस्तों ये इंजेक्शन अक्सर हमारे दैनिक जीवन में ये एंटीबायोटिक काम में आती रहती है। ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन एंटीबायोटिक पशुओं के कौन से रोगों में काम आती है तथा इसको लगाने के बाद में हमें क्या सावधानी रखनी चाहिए, इसकी संपूर्ण जानकारी दूंगा। वीडियो को पूरा देखिए। यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले जाके सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन का बटन दबा लीजिए, जिससे भविष्य में आने वाली कोई भी वीडियो आप मिस ना कर सके। दोस्तों आइए वीडियो शुरू करता हूँ। दोस्तों मैं आज बताने जा रहा हूँ ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन इंजेक्शन। दोस्तों ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन जो इंजेक्शन है एक जायडस कंपनी की एंटीबायोटिक है। दोस्तों ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक है जो ग्राम नेगेटिव व ग्राम पॉजिटिव दोनों पे कार्य करती है। ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन हम कौन से रोगों में काम में लेते हैं मैं बता देता हूँ आपको। यह हम HS यानी गलगोटू, एंथ्रेक्स, मेटाइटिस यानी थनेला रोग हो गया, यदि आपके पशु किसी प्रकार से जल गया हो तो उस पर जो घाव यानी धब्बा हो गया हो उसमें में भी हम ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन काम में लेते हैं, बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है। सेकेंडरी इन्फेक्शन जैसे नाक से पानी आना, पशु चारा पानी छोड़ देता है दोस्तों कई बार, जैसे निमोनिया केस में छोड़ देता है, और आँखों और नाक से अपशिष्ट द्रव्य का बाहर आना, ये निमोनिया रोग में हम इसका प्रमुख रूप से उपयोग करते हैं ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन एंटीबायोटिक का। दोस्तों इसकी डोज की बात करें, जैसे लार्ज पशु है, गाय भैंस है जिनका बॉडी वेट 400 से 500 केजी है, हम उनमें 10 से 15 ml ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन एंटीबायोटिक काम में लेंगे। दोस्तों यदि छोटा पशु है, स्मॉल पशु है, तो हम जिनका बॉडी वेट 100 से 200 केजी की समथिंग है, तो हम उनमें ये 5 से 7 ml एंटीबायोटिक काम में लेंगे। दोस्तों अब हम बताएं कि ये बकरियों में और भेड़ में हम इसकी डोज कितनी रखें, क्योंकि अक्सर ये उपयोग ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन होता है ये सबसे ज़्यादा उनमें उपयोग किया जाता है, और बकरी पालन इसका इंजेक्शन का इस्तेमाल अक्सर करते रहते हैं दैनिक जीवन में, वो किसी न किसी बकरी या भेड़ को इस इंजेक्शन का इस्तेमाल करते रहते हैं। मैं आपको बता दूं हम इसकी बकरी में कितनी डोज रखेंगे। दोस्तों हम इसकी बकरी पालन में, यदि कोई बकरी पालन करता है और उसको अक्सर इसका उपयोग करता है, वो इसको 2 से 3 ml लगा सकता है और 24 घंटे बाद में इसको रिपीट कर सकता है। दोस्तों 24 घंटे आउट्स बाद में आप इसको दोबारा रिपीट कर सकते हो या 12 घंटे से भी रिपीट कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। दोस्तों इसके रूट की बात कर लें हम, तो इसके रूट की हम बात करें तो दोस्तों इसका रूट इंटरमस्कुलर यानी इसको हम डीप मास में लगाएंगे। दोस्तों हम इसको पुट्टे पर भी लगा सकते हैं, नेक यानी गर्दन पे भी लगा सकते हैं। दोस्तों इसकी MRP आपको दिख रही होगी। दोस्तों इसके रूट की बात हो गई, अब प्रेग्नेंट पशु में इसका उपयोग करना चाहिए या नहीं करना चाहिए मैं आपको वो भी बता देता हूँ। दोस्तों यदि आपका पशु प्रेग्नेंट 1 या 2 माह का है तो हम इसमें 5 से 10 ml इसको उपयोग में ले सकते हैं। 5 से 6 माह का प्रेग्नेंट पशु है तो हम इसमें ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन काम में नहीं लेना चाहिए, इसके कारण पशु का ओबोसन हो सकता है। दोस्तों ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन ये प्रेगनेंसी सेफ नहीं मानी जाती है। दोस्तों दुधारू पशुओं में भी इसका उपयोग कम करना चाहिए, क्योंकि इसमें हम दुधारू पशुओं में इसका उपयोग करते हैं तो इससे दूध सूखने की दूध में इफेक्ट पड़ता है। दोस्तों अब हम इसकी बात करें कि इसके स्थान पर यदि हम कौन से इंजेक्शन काम में ले, यदि यह ऑक्सी काम में ले तो दोस्तों हम इसके स्थान पर मोक्सल एंटीबायोटिक काम में ले सकते हैं। यदि मोक्सल न लेने के हम इसकी जगह सेप्ट्राजोन 1 ग्राम भी काम में ले सकते हैं, और मोक्सल 3000 या 4000 mg काम में ले सकते हैं। और दोस्तों ये दोनों भी हम काम में नहीं लेना चाहिए, तो ऑक्सी के स्थान पर हम इंड्रोफ्लोक्सिन काम में ले सकते हैं। दोस्तों अक्सर निमोनिया में यदि पशु प्रेग्नेंट है और हम उसको ऑक्सी नहीं लगाना चाहे तो हम उसकी जगह कौन सी एंटीबायोटिक काम में ले, तो हम उसकी जगह हम इंड्रोफ्लोक्सिन ले सकते हैं। लेकिन दोस्तों एक और ध्यान रखने की बात है, यदि हम जहां ऑक्सी काम में ले रहे हैं, कोई भी केस में काम में ले रहे हैं, तो हमें ये ध्यान में रखना चाहिए वहां पे हमें ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक साथ में काम में नहीं लेना चाहिए, यानी ग्राम नेगेटिव ग्राम पॉजिटिव पर जो कार्य करने वाली एंटीबायोटिक है वो हमें साथ में काम में नहीं लेना चाहिए। जैसे ऑक्सी के साथ हमें कौन कौन सी एंटीबायोटिक काम में नहीं लेना चाहिए मैं आपको बता देता हूँ। इंड्रोफ्लोक्सिन हो गया दोस्तों,
जेंटामाइसिन वेट हो गई, और दोस्तों सल्फाडीमिडीन इंजेक्शन हो गया। ये तीनों इंजेक्शन हमें ऑक्सी के काम में साथ में काम में नहीं लेने चाहिए दोस्तों। जहाँ तक जरूरत हो वहाँ तक हमें इंजेक्शनों को काम में नहीं लेना चाहिए एक साथ दोस्तों। और कैल्शियम की कोई भी बोतल चढ़ा रहे हों हम यदि पशु को, तो उसके साथ हम ऑक्सी ड्रिप में नहीं डालेंगे दोस्तों, इससे पशु की मौत हो सकती है। क्योंकि कैल्शियम के साथ हम ऑक्सी को काम में नहीं ले सकते, इसका ध्यान रखना हमेशा। ये बात मैं एलएसी वायु के लिए बता रहा हूँ। कभी भी आप यदि कैल्शियम की बोतल चढ़ा रहे हो, कालबेट चढ़ा रहे हो, मेलेक्सन चढ़ा रहे हो, कुछ भी चढ़ा रहे हो, तो ये ध्यान रखना है कि आप उसके साथ हमें ऑक्सी काम में नहीं लेना। ऑक्सी को हम अलग से लगा सकते हैं, लेकिन हम इंटरवेनस यानी बोतल के साथ उस समय नहीं दे सकते। दोस्तों वीडियो कैसा लगा लाइक करना, शेयर करना और कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलना वीडियो कैसा लगा, और अपने दोस्तों को शेयर करना। धन्यवाद दोस्तों।